अस्सलाम वालेकुम। तो मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमने स्पेन से फैमिली डॉक्यूमेंट्स के लिए नतारियों से कौन कौन से डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने हैं और फैमिली मेंबर जो पाकिस्तान में है उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे। तो आज हम इसी वीडियो में इसी बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको काफ़ी समझ आए और आपके जितने भी सवाल आते हैं इसी उम्मीद करता हूँ कि इसी वीडियो में सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन भाइयों ने नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ और इसके साथ अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तानी एप्लीकेंट, अगर आपका स्पाउस मतलब कि पाकिस्तान में कोई मेंबर है, हस्बैंड इधर है वाइफ स्पेन में है, या हस्बैंड स्पेन में है और वाइफ पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तानी एप्लीकेंट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें जो आपका निकाहनामा होगा जो मौलवी वाला जो होता है वो फिल जिसने किया होता है उसे एक्ट ऑफ निकाहनामा कहते हैं। एक निकाहनामा, MRC जो नादरा से इशू होता है, FRC बर्थ सर्टिफिकेट, और इसके साथ अगर आपके पास बेफाम है वेल एंड गुड, और अगर बच्चे हैं तो बेफाम भी होना लाजिम है, और अगर नहीं तो खाली यही चल जाएगा। इसके साथ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, गवर्नमेंट से जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है उसका। इसके साथ साथ आपको करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, याद रखिएगा DP होगा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का आपको करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपको चाहिए ब्यूरो इस्लामाबाद का। तो जब आपके पास ये 7-8 डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाएंगे पाकिस्तानी एप्लीकेंट के पास, आप इनकी कराएंगे मूफा से अटेस्टेशन, माफ़ कीजिएगा मूफा कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को, तो वहाँ से आपने अटेस्टेशन करानी है, बार कोड को एक्टिव करना है, और इसके साथ ही आपने लीगलाइजेशन की ले लेनी है अपॉइंटमेंट वीज़ाट्रॉनिक की, और आपने करा देने हैं जमा वीज़ाट्रॉनिक TCS में। अब बात करते हैं स्पेन में जो एप्लीकेंट हैं उनके पास, आपके पास जो NEV कार्ड जब आपका लेटर निकल आएगा, जिसको इन्विटेशन लेटर कह लें, वीज़ा लेटर कह लें, ठीक है, फिंगरप्रिंट लेटर कह लें, तो वो एक ही लेटर का नाम है। इसके साथ उनके पासपोर्ट की कापी जो स्पेन में है उनको नतारी से टेस्ट कराना है, इसके साथ उनके रेजिडेंस कार्ड की कापी उसको भी नतारी से टेस्ट कराना है, और इसके साथ रस गोवर्दा होगा जो इनविटेशन वहां से इनविटेशन निकलवाने के लिए एक फॉर्म होता है उसको फिल किया जाता है, तो वो भी आपको चाहिए होगा। इसके साथ साथ स्पेन से जो स्पेन मेंबर है उनके पूरे के पूरे 36 पेजेस पासपोर्ट जो है सबकी कापीज चाहिए होगी, आपके पास अगर नहीं तो वो वाया व्हाट्सएप ईमेल के जरिए भी आप मंगवा सकते हैं और यहाँ से सिंपल प्रिंटआउट ले सकते हैं। जब वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास आ जाएंगे, वहाँ से लीगलाइजेशन के पेपर आपके पास होकर आ जाएंगे, तो आप आपने करना ये है, आपने ले लेनी है फैमिली रीयूनिफिकेशन की वीज़ाट्रॉनिक से अपॉइंटमेंट, और अपना फॉर्म फिल कराना है, अपनी फाइल को तरतीब देना है, बहुत सिंपल सी तरीका है, फॉर्म फिल करेंगे, बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स अपने तरतीब वाइज रखने हैं। और स्पेशली एक बात याद रखिएगा, जितने भी ट्रांसलेशन लीगलाइजेशन से हो जाएंगे तो उससे पहले आपने इन सब की ट्रांसलेशन भी करवानी पड़ेगी, जिसकी आपको स्पेनिश अथोराइज ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। पाकिस्तान में भी उनके कोई अथॉरिटीज़ तो नहीं, आप स्पेन से डायरेक्ट कराएंगे और लिंक्स वगैरह होते हैं, आप हमसे भी कोऑर्डिनेट करके ट्रांसलेशन करवा सकते हैं। स्क्रीन में नंबर शो हो रहा है, अगर आपने कोई भी सवाल रह गया हो तो आप स्क्रीन से हमें नंबर से हमें पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं और आपको जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट एक बारी फिर है जाने से पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।